अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आई एम योर साइंस टीचर मिस रमशा, एंड टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इट इज़ अ कंटिन्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट, इन माई लास्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट टुडे वी विल लर्न बैलेंस डाइट। सो रीड विद मी। द फूड वी ईट इज कन्वर्टेड इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर एनर्जी। हम जो फूड खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और उससे हमें क्या हासिल होती है? एनर्जी। टू फुली यूटिलाइज दिस एनर्जी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। जब हम क्या कर लेते हैं, इस एनर्जी को फुली यूटिलाइज कर लेते हैं, तो आपके पास क्या कहलाती है? आपकी बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। टेकिंग द राइट क्वान्टिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कीप बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स को राइट क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी और स्ट्रांग रहेगी। फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपके पास? प्रोटीन। प्रोटीन मेक आवर बोन्स स्ट्रांग। प्रोटीन की वजह से आपकी जो बोन्स है वो क्या रहती हैं? स्ट्रांग। द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स। बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है एंजाइम्स को रिलीज़ करने के लिए, हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए और एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने के लिए, दैट परफॉर्म मेनी यूजफुल फंक्शन, जो कि हमारी बॉडी में मेनी यूजफुल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन आर फाउंड इन द मीट, फिश, एग एंड पल्सेस। प्रोटीन एग, फिश, एग और पल्सेस में पाया जाता है। दे आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये डाइजेस्ट यानी कि हजम कहाँ पर होता है? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनते हैं? ग्लूकोज से। ग्लूकोज रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। और ग्लूकोज क्या रिलीज करते हैं? लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। जब ये हम बॉडी के सेल्स के में ब्रेक हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेड में पाया जाता है, राइस में, पोटैटोज में। दे आर डाइजेस्टेड इन द माउथ एंड द इलियम। और ये कहाँ डाइजेस्टेड होता है? माउथ में और इलियम में। नेक्स्ट कंपाउंड इज फैट्स। फैट्स कंटेंट टूज द एनर्जी फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में फैट्स के अंदर टूज एनर्जी पाई जाती है, यानी कि उससे डबल एनर्जी पाई जाती है फैट्स के अंदर। दे हेल्प टू कीप आवर बॉडीज वार्म। ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती हैं। फैट्स आर फाउंड इन मिल्क, बटर एंड ऑयल्स। फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द ड्यूडेनम एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है? ड्यूडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट कंपाउंड इज विटामिन। विटामिन्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। विटामिन्स क्या करती हैं? इंसान को हेल्दी रखती हैं। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग इल एंड हेल्प अस टू रिकवर क्विकली व्हेन वी फॉल सिक। विटामिन्स क्या करती हैं? आपको बीमारियों से बचाती हैं, और अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाए तो बहुत जल्दी आप विटामिन्स की वजह से, अगर आप विटामिन्स को लें तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू परफॉर्म इट्स फंक्शन स्मूथली। बड़ी आसानी से विटामिन्स क्या करती हैं? आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। विटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और उसके अलावा वेजिटेबल्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। विटामिन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन्स कहाँ डाइजेस्टेड होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्या है आपके पास? मिनरल्स। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। मिनरल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं लंग्स में इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स आर फाउंड इन वाटर। ज़्यादातर मिनरल जो हमारी बॉडी की जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में। मिनरल्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने प्रीवियस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो स्टडी कर लिया था, आज हम कुछ डिसीजेज करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जैसे डायरिया। व्हाट इज़ डायरिया? व्हेन अ पर्सन पासेस लूज एंड वाटरी स्टूल्स मोर देन 3 times। जब एक पर्सन जो है वो लूज वाटरी स्टूल्स को लूज करे दिन में 3 times से ज़्यादा, ही सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो उसको क्या हो जाता है? डायरिया। लेट अस फाइंड आउट वाई दिस अकर्स, कि ये होता क्या है। देर आर सिवरल रीजन्स। इन्फेक्शन बाई बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट। बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है आपको डायरिया। इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड लैक्टोज शुगर फाउंड इन मिल्क। आपके पास कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर आप ले लें, जैसे लैक्टोज शुगर ज़्यादा ले लें मिल्क के अंदर होती है, तो उससे भी आपको डायरिया रहता है। एज अ साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग सर्टन मेडिसन, आप कोई मेडिसिन ऐसे लेने से कोई साइड इफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। इफेक्ट ऑफ डायरिया। द बॉडी नीड्स अ सर्टेन क्वान्टिटी ऑफ फ्लूड टू
फंक्शन प्रॉपरली। आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है, किसी फ्लूड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। डायरिया कॉजेज अ लॉट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम अवर बॉडी। डायरिया के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर क्यों रहता है, लॉस रहता है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। इन चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन बच्चों में और बूढ़े लोगों में, इट मे इवन रिजल्ट इन डेथ। बच्चों के अंदर और जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, उनमें अगर डायरिया होता है तो उनके चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। देयरफॉर डायरिया कैन बी वेरी डेंजरस। इस वजह से डायरिया जो है वो एक बहुत डेंजरस डिसीज़ है। सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डायरिया के सिम्टम्स क्या, निशानियाँ क्या हैं। व्हेन पीपल फील एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोसिया और एन अर्जेंट नीड टू यूज़ द लेबोरेटरी एंड पास लूज वाटरी फ्रिक्वेंटली, दे मे बी सफरिंग फ्रॉम डायरिया। कि पेट वगैरह में दर्द होना शुरू होता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, और जो है वो वाटरी स्टूल जो है वो तेज़ी से जो है वो इंसान निकाल रहा होता है अपनी बॉडी से। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, डायरिया के सिम्टम्स हैं। ट्रीटिंग डायरिया, डायरिया को ट्रीट कैसे किया जाता है। द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ डायरिया इज द लॉस ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। जो मोस्ट डेंजरस इफेक्ट है डायरिया का वो क्या है आपके पास, के फ्लूइड का लॉस होता है, यानी कि वाटर का लॉस होता है, और सॉल्ट्स बॉडी से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स की नमकियात की कमी रहती है बॉडी के अंदर। द मोस्ट इसेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डायरिया पेशेंट इज ड्रिंकिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वाटर। मोस्ट ट्रीटमेंट क्या है इसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए एंड ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS, यानी कि डिहाइड्रेशन सोल्यूशन पिए, जैसे ORS आपको डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं वो पिए। उसके अलावा एंड ईटिंग बनानास खाएं। एज दे इम्प्रूव दे शुड गिविंग सेमी लिक्विड। जब उनके अंदर थोड़ी इंप्रूवमेंट आए तो वो क्या करें, बॉइल्ड पोटैटोज लें। उसके अलावा खिचड़ी वगैरह जो होती है वो खाएं। दे शुड ट्राई टू अवॉइड कैफीनिक मिल्क प्रोडक्ट्स को क्या करें, अवॉइड करें। एंड फूड डेट आर ग्रीसी, हाई इन फाइबर, और वो फूड जो ग्रीसी हों और जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, और स्वीट प्रोडक्ट को क्या करें, अवॉइड करें। इफ़ डायरिया परसिस्ट दे शुड सी अ डॉक्टर इमिडिएटली एंड टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। आप क्या करें, जब डायरिया ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर के पास फौरन जाएँ और जो मेडिसिन दे उसको प्रिस्क्राइब्ड करें। नेक्स्ट डिसीज का आपके पास कॉन्स्टिपेशन। व्हेन अ पर्सन हैज़ हार्ड फीसेस एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेल। जब पर्सन जो है वो हार्ड फेसेस, यानी कि पहले वहाँ लूजी स्टूल्स था, अब यहाँ पर क्या होगा, हार्ड फेसेस अगर रिलीज करेगा उसको एक्सपेल करने में बॉडी से बाहर डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम आम जबान में कब्ज़ भी कहते हैं। शी इज़ सेड टू बी सफरिंग कॉन्स्टिपेशन। जो कोई भी जो है कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो, इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड, और इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन इज कॉज ड्यू टू सिवरल रीजन, सफरिंग द अर्ज टू डिफिकेट टू ऑफ्टन, यानी कि स्टूल को, स्पेसिस को निकालने में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द कोलन, कोलन के कर ले, अगर ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर ले तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू पुअर फंक्शनिंग ऑफ द मसल ऑफ द कोलन। जब आपके पास जो फंक्शन है, मसल्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस कर दें कोलन के जरिए, तो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। अ लो अमाउंट ऑफ फाइबर एंड हाई अमाउंट ऑफ वेट। जब हम क्या करें, जब हम अपने डाइट के अंदर फाइबर जो है वो लो क्वांटिटी में लेते हैं और फैट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले लेते हैं, तो भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो हम डेली रूटीन में नहीं करते, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन कॉज होती है। ट्रीटमेंट क्या है कॉन्स्टिपेशन का, पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन शुड स्टार्ट ईटिंग मोर फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए सब, और उसके अलावा दालें वगैरह ये सब लेने चाहिए। दे शुड ऑल्सो एक्सरसाइज एंड ड्रिंक मोर वाटर। उसको ज़रूरी है, चाहिए कि वो एक्सरसाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इफ़ इट परसिस्ट दे शुड सी अ डॉक्टर, और डॉक्टर को ज़रूर जो है वो दिखाना चाहिए और उससे मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे डेली रूटीन में, तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो प्रॉपर जो है वो वर्क करेंगे, तो इंसान को डेली जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। दिस लेसन इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।